राम राम। प्रस्तुत कर रहा हूँ अपनी कविता हिमालयी संकल्प परिपालन शून्य। परिपालन का अर्थ होता है इम्प्लीमेंटेशन, तो संकल्प हिमालयी बहुत बड़े बड़े और परिपालन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन शून्य। प्रस्तुत है। हर सुबह जल्दी उठकर मैंने सोचा किया आज भर और सो लेता हूँ, कल से नित्य सैर करने निकलूंगा, फिर व्यायाम करूंगा, पहलवान बनूंगा। हर दोपहर मैंने घोषणा की, आज भर ठूंस लेता हूँ गरिष्ठ भोजन, कल से केवल नपातुला आहार, एकदम सादा जीवन, बहुत उच्च विचार। हर सांझ घर लौटकर मैंने अपनी मेज जमाई, आज भर मित्रों के साथ पान गोष्ठी कर लूं, कल से फिर लेखन आरंभ, यह एक अनवरत प्रक्रिया होगी। हर हफ्ते महीने साल मैंने संकल्प लिए, किया एक दिन भी नहीं वह सब जो नियमित करना चाहा, एक दिन भी नहीं वह सब जो नियमित करना चाहा। हर सुबह जल्दी उठकर मैंने सोचा किया, आज भर और सो लेता हूँ, कल से नित्य सैर करने निकलूंगा, फिर व्यायाम करूंगा, पहलवान बनूंगा। हर दोपहर मैंने घोषणा की, आज भर ठूंस लेता हूँ गरिष्ठ भोजन, कल से केवल नपातुला आहार, एकदम सादा जीवन, बहुत उच्च विचार। हर सांझ घर लौटकर मैंने अपनी मेज जमाई, आज भर मित्रों के साथ पान गोष्ठी कर लूं, कल से फिर लेखन आरंभ, जो एक अनवरत प्रक्रिया होगी। हर हफ्ते महीने साल मैंने संकल्प लिए, किया एक दिन भी नहीं वह सब जो नियमित करना चाहा। माता चरमण्यवती के किनारे खड़ा होकर गरड़िया महादेव के दर्शन करने के उपरांत क्या मैं यह संकल्प फिर लेना चाहूँगा? क्या संकल्प लेने से उन्हें निभाने की शक्ति प्राप्त होती है? यह संकल्प क्या आज और अभी से लिए जाते हैं या हमारे संस्कारों में होते हैं? मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि संकल्प लेने के लिए भी सोच जरूरी है, सामर्थ्य का एहसास जरूरी है और एक अंतर्निहित शक्ति जरूरी है। राम राम।